नमस्ते जी, मैं आचार्य भानु प्रताप वेदालंकार वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही विवादित विषय को लेकर के आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व वेद प्रताप वैदिक जी ने एक अल्लाह नमा इत्यादि बात को कहकर के यज्ञ से संबंधित एक आवैदिक सिद्धांत को कहा और उसके समर्थन में प्रोफेसर विट्ठल राव जी आर्य ने भी उसका समर्थन किया। उसका उत्तर पहला जो था वेद प्रताप वैदिक जी का आवैदिक कार्य, आवैदिक बातों पर डॉक्टर सोमदेव शास्त्री मुंबई ने उसका प्रत्युत्तर दिया। जब डॉक्टर सोमदेव जी मुंबई ने इसका प्रत्युत्तर दिया कि यह अल्लाह नमः यह आवैदिक सिद्धांत है, तो उसके समर्थन में प्रोफेसर विट्ठल राव आर्य ने एक लेख भेजा। बंधुओं, ये बात अलग है कि वह अब इस समय मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने फॉरवर्ड किया है, ये मेरा लेख नहीं है। पर याद रखना, इसी विषय में, इसी प्रसंग में एक और बातें आई कि स्वामी आर्यवेद जी, जो कि सार्वदेशिक सभा के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद की जो प्रणाली है, यज्ञ की प्रणाली, वही मानी जाए। इस श्रृंखला को, जो कि वास्तव में आवैदिक सिद्धांत के प्रति लोगों का जो दुराग्रह है, हट है, उसके विषय में आगे की बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी को उन्होंने कहा कि यह जो मैंने लेख भेजा था, यह मेरा नहीं था, लोगों ने मिस करके कहा। उसका उत्तर देते हुए डॉक्टर सोमदेव शास्त्री ने इस प्रकार से लिखा है, श्री विट्ठल राव जी आर्य, सादर नमस्ते। वैदिक के आवैदिक विचारों से आप सहमत हैं या नहीं, स्पष्ट लिखें। पहली बात तो यह है, यदि आपने किसी के विचार को फॉरवर्ड किया है, तो उसके साथ ही सहमत या असहमत पक्ष भी स्पष्ट कर देते। फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता नहीं देता है। यदि किसी ने फॉरवर्ड करके बीच नीचे आपका नाम और सभा का पता दिया है, तो इसका विरोध आपको करना था, आपने नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने नीचे लिखी थी, नास्तिक यज्ञ कैसे करें, यह आपने लिखा है। इस विषय में निवेदन है कि जो नास्तिक है वह यज्ञ नहीं करता, जो नास्तिक है वह यज्ञ नहीं करता, और जो यज्ञ करता है वह नास्तिक नहीं होता है। फिर भी इस विषय में आप जानना चाहते हैं, तो सार्वधिक सभा की बैठक में विद्वानों को बुलाकर धर्मार्थ सभा द्वारा सुझाव दीजिए। नास्तिक व्यक्ति अल्लाह स्वा कहकर आहुतियां दे, यह सुझाव व्यक्ति व्यक्ति वैदिक जी का हो या किसी अन्य का हो, वह अमान्य ही रहेगा, हम उसको मान्य नहीं करेंगे। डॉक्टर मुमुक्षु आर्य ने लिखा है कि स्वामी आयुर्वेद जी दबाव में आ गए और विट्ठल राव जी दबाव में नहीं आए। इस विषय में भी आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते रहे। बंधुओं, यह बात बढ़ती रही और प्रोफेसर विट्ठल राव जी ने, जो एकमात्र वैदिक विद्वान जिन्होंने की आवैदिक कार्य के प्रति विरोध किया था, उसका विरोध उन्होंने इस प्रकार से करते रहे। और करने के पश्चात उन्होंने कई लेटर लिखे, अलग अलग जगह उन्होंने लेटर का लिखा गया, और यह जो लेटर उन्होंने लिखा और उसका हेडिंग था, आचार्य सोमदेव शास्त्री जी का अनैतिक व आपराधिक व्यवहार। ध्यान दीजिए, जब कोई आचार्य, कोई वैदिक विद्वान यदि वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बोलने वाले के विरुद्ध में कोई लेख देता है, तब सभा मंत्री प्रोफेसर विट्ठल राव एक धमकी के रूप में और एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते किस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान देना। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी के यज्ञ संबंधी वक्तव्य पर प्रतिक्रिया में मुझे, अर्थात विट्ठल राव वाले मंत्री, सार्वदेशिक सभा के नाते विवाद में नायायज रूप में घसीटकर आचार्य सोमदेव शास्त्री जी ने अपने अनैतिकता का परिचय दिया। इन शब्दों को लिखने से पूर्व मैंने अपने नैतिक धर्म का पालन करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से उन्हें साफ कर दिया कि किसी ग्रुप द्वारा मेरे पास आए हुए मैसेज को आर्य महानुभावों व विद्वानों की जानकारी हेतु आगे फॉरवर्ड मात्र किया था। उसमें मेरी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा गया, एक शब्द का क्या, एक अक्षर भी नहीं जोड़ा गया, यह केवल फॉरवर्ड मैसेज था। उस पत्र का जवाब न आने पर मैंने स्वयं दूरभाष से बात कर विवरण भी दिया और लिखित रूप में निवेदन किया कि इस पर वो स्वयं सफाई दें। आचार्य सोमदेव शास्त्री को चाहिए था कि कुछ भी लिखने से पूर्व फॉरवर्ड मैसेज की जांच करवा लेते कि यह फॉरवर्ड मैसेज है या फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के ही विचार हैं। फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के विचार हों भी तो उन्हें से एक बार, मुझसे एक बार स्पष्टीकरण कर लेते। कुछ भी न करके बस लिखना शुरू कर दिया, यह एक प्रबुद्ध व्यक्ति का व्यवहार नहीं है।
स्वामी आयुर्वेद जी ने मुझसे विचार विमर्श करने के बाद प्रधान सार्वजनिक सभा के नाते स्वादिष्ट सभा के उसे वक्तव्य दिया। स्वामी जी के वक्तव्य के ओर से वक्तव्य दिया। स्वामी जी के वक्तव्य के बाद आचार्य सोमदेव शास्त्री जी ने स्वामी जी को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद पत्र में मुझे स्वादिष्ट सभा के मंत्री के नाते दोषी ठहराना उनकी असहनशीलता व अधैर्य का परिचय देता है। आचार्य स्वयं यह मानते हैं कि मुझसे उनका संबंध पिछले 15 वर्षों से और अच्छे संबंध रहे, तो क्या ऐसी स्थिति में उनका तनिक भी नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि एक बार टेलीफोन पर मुझसे पूछ लेते कि क्या प्राप्त फॉरवर्ड मैसेज का वक्तव्य मेरा अर्थात विठल राव का है या किसी अन्य का। किसी पर भी टिप्पणी करने से पूर्व उस विषय में संबंधित व्यक्ति से कुछ पूछ लिया जाता, यह सामान्य व्यवहार है। आचार्य जी ने इतनी सी नैतिकता का बर्ताव करना भी ठीक नहीं समझा। लिखने में इतनी जल्दीबाजी, इतना भावावेश और इतना अधैर्य उनके व्यक्तित्व के खिलाफ है। आचार्य के खिलाफ मुझे और मेरे साथ स्वादेशी सभा के मंत्री पद को घसीट कर स्वादेशी सभा की छवि को आचार्य सोमदेव शास्त्री जी ने धूमिल किया। यह अपराध नहीं, महाअपराध है। गैर जिम्मेदारना व्यवहार है। गैर जिम्मेदार व्यवहार कर आचार्य जी विश्व को व समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका यह व्यवहार वह धार्मिक न धार्मिक है और न नैतिक है। आचार्य जी के कर्म कांड के विद्वान होंगे पर व्यवहार और धार्मिक नैतिक नहीं हो सकते। किसी की छवि धूमिल करने के एवज में और विशेषकर स्वादेशी सभा की छवि को धूमिल करने के एवज में उन्हें स्वादेशी सभा से क्षमा मांगनी चाहिए या खेद प्रकट करना चाहिए था। नैतिक धर्म का पालन कर किए बिना किसी के साथ दुर्व्यवहार अक्षम्य अपराध है। समाज के मार्गदर्शक को सहनशील व धैर्य रखने वाला होना चाहिए। मैं उनके द्वारा लिखित व प्रचारित पत्र का जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि वे एक सम्मानित व्यक्ति हैं व उसमें निष्ठा है। आज समाज में आजकल एरे गेरे बहुत से आए हुए हैं व उनका समाज में कोई योगदान नहीं और न ही उन्होंने कोई दायित्व निभाया। बिना व्यक्तित्व वाले भवों करते हैं तो करते रहें, उनकी अपेक्षा में समाधान है। धन्यवाद। भवदी विठल लावार्य मंत्री स्वादेशिक आर प्रदेश सभा नई दिल्ली। बंधुओं, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये पूरा पत्र पढ़ा और पढ़ने के पश्चात कैसे शब्दों का उन्होंने व्यवहार में क्या कि नैतिक धर्म का पालन किए बिना यह दुर्व्यवहार और अक्षम्य अपराध है। अब बताइए, एक प्रोफेसर विठल राव मंत्री जो स्वादिष्ट सभा के मंत्री हैं वो एक वैदिक विद्वान को किस प्रकार की भाषा का यहाँ कहते हैं अक्षम्य अपराध है। ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया? क्या वेद के विरुद्ध, वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति बोलता है, क्या उसके मुंह को बंद कर दिया जाए और उसके किए गए व्यवहार को और एक वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए और उसका समर्थन करते हुए शास्त्र के अनुसार बताते हुए कि यह वैदिक व्यवहार नहीं है, ऐसा कहना भी क्या अक्षम्य अपराध माना जाएगा? बंधुओं, आर्यो, आप सोचो और विचार करो, क्योंकि यह बहुत ही जटिल मुद्दा बना दिया गया है। यह विठल राव जी आर्य ने अपने हट और दुराग्रह के कारण ऐसा किया है। और यही नहीं, मैं आपको जान करके यह सूचना भी देना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत विठल राव आर्य जी ने मुझे क्या लिखा और उन्होंने लिख दिया, और एक तरह से उन्होंने न केवल मुझे अपितु प्रोफेसर विठल राव आर्य जी ने गुरुवर आचार्य सोमदेव शास्त्री जी को भी एक धमकी दी है और क्या कहा कि नमस्ते, मुझे इंकित करते हुए आप और आचार्य सोमदेव जी दोनों गलत हैं। डॉक्टर वैदिक जी द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर मैंने अभी तक कोई व्यक्तिगत विचार व्यक्त किया ही नहीं, ना ही स्वादिक सभा के मंत्री के नाते। श्री शास्त्री जी के जवाब के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फिर दोनों के आधार्मिक कृत्य को बहिर्गत करूंगा। ध्यान देना क्या उन्होंने कहा है, फिर दोनों के अर्थात मुझे और डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी के लिए कहा है कि दोनों को मैं धार्मिक कृत्य को बहिर्गत करूंगा। अब इस अर्थ का आप खुद समझ सकते हैं वो कौन व्यक्ति होता है जो ऐसे विद्वान आचार्य डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी को धार्मिक कृत्य को बहिर्गत करेगा। याद रखिए, यही नहीं, प्रोफेसर विठल राव अब घिर चुके हैं और जहां उन्होंने वेद पिता वैदिक जी के साथ समर्थन करते हुए आवैदिक मार्ग का समर्थन किया है, निश्चित रूप से पूरे आर्य समाज में उनकी ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि वह किसके साथ हैं, आवैदिक कार्य करने वालों के साथ में, आवैदिक सिद्धांतों की रक्षा करने वालों के साथ में। यही नहीं, इसके समर्थन में अर्थात डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी के साथ में प्रकाश आर्य जो एक सभा के मंत्री हैं और सुरेश आर्य जी जो कि एक सभा के प्रधान हैं, दोनों ने नहीं इस की भर्त्सना करते हुए वह एक पत्र लिखा है। वह पत्र भी मैं आपको सुनाता हूँ। महोदय, बंधुओं, यह जो पत्र है प्रोफेसर विठल राव के प्रति श्री प्रकाश आर्य जी ने लिखा है और वह लिखा है सोमदेव शास्त्री जी के विषय में, जो कि प्रोफेसर विठल राव जी ने सोमदेव शास्त्री जी को अनैतिक और अक्षम्य
अपराध करने की जो उन्होंने संज्ञा दी है और एक प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है प्रोफेसर भट्टराव उसके विरुद्ध में। प्रकाश आर्य जी क्या लिखते हैं मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री विठल राव जी नमस्ते, श्री वैदिक जी के द्वारा यज्ञ के संबंध में अवैधिक विचार करने पर उसका विरोध उन आर्यों ने किया जिन्हें अपने संगठन की गरिमा बचाने की चिंता थी। ध्यान देना, यह समाचार सुनकर कई व्यक्तियों के इसके विरोध में संदेश आ गए। मैंने भी इसका विरोध किया। संगठन का अहित कोई भी करे यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी रक्षा करें। वैदिक जी का हमारा पारिवारिक संबंध है, बड़े भाई के रूप में उनकी मान्यता है, किंतु पहले संगठन है फिर रिश्ता है। अपने नाम से श्री वैद्य जी का बात का समर्थन वाला समाचार पड़ा, इसका विरोध भी हुआ और श्री सोमदेव जी शास्त्री ने भी किया जो एक वैदिक विद्वान होने के नाते करना भी उचित था। आपने तो वैदिक जी के उस आपत्तिजनक बयान का खंडन नहीं किया, उसका मतलब यह निकलता कि उससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपका भी उसके समर्थन में पढ़ने को नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति किसी समाचार को नीचे भेजने वाले का नाम लिखा हो तो उसके विचार माने जाएंगे। आप यदि पहले वैदिक जी की बात का खंडन करते और फिर आपके नाम से यह समाचार आता तो अनुमान लगाया जा सकता था कि यह आपका विचार नहीं हो सकता, परंतु आपका तो आज तक उसका खंडन नहीं आया। आप मोबाइल का उपयोग खूब करते हैं किसी भी बात का और अपने विचारों को किसी को उत्तर देने में आप कोई विलंब नहीं करते। फिर आपने यदि वैदिक जी के कथनों का विरोध करना चाहते हैं तो विरोध क्यों नहीं किया? पहली बात तो यह है कि कोई थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला बिना किसी जानकारी के जो उसे किसी और ने भेजी हो वो उसे बिना पढ़े या उसकी उपयोगिता को समझे बिना किसी और को भेज देगा या कोई मान नहीं सकता। आपने अपनी बात जो मोबाइल पर की उसे किसी और ने आपको भेजी जिसे आपने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया, यह अत्यंत हास्यास्पद है और अविश्वसनीय है। दूसरा यह है कि यदि उस समाचार से आपका संबंध नहीं था तो आपको आपने उसका खंडन कर सत्यता से अवगत क्यों नहीं कराया? अवगत कराना था, यह भी तत्काल होना था, किंतु जब आपका विरोध हुआ तो आप यह कह रहे हैं कि कौन विश्वास करेगा। आप यह कहते हैं किसी ने आपको भेजा है और उसे परिवर्तन कर दिया और उसका नाम भी बताना चाहिए ताकि उसके विरुद्ध भी कुछ किया जाए। श्री सोमदेव जी शास्त्री ने कुछ गलत नहीं किया, एक निष्पक्ष वैदिक विद्वान है, उनके द्वारा किए गए कथन समाज हित में उचित थे, वह किए जिसको हम उचित मानते हैं। आप उनको गलत बताते हुए उनसे क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं, यह कितनी निम्न स्तर की सोच है। सही बात तो यह है कि आज तक डॉक्टर सोमदेव जी को आपको बहुत निकट और सहयोगी मानते रहे, उनसे इस प्रकार की बात करने की उम्मीद थी, यह उन पर गुस्से का कारण है। आपके और वैदिक जी के विरोध में और भी लोग भी तो हैं और उन्होंने लिखा है, संयम रखें, विद्वानों से कम यह व्यवहार न करें, आशा ऐसे अन्यथा नहीं लेंगे। प्रकाश आर्य, मंत्री शारदीय सिख, आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली। बंधुओं, यह मैंने पत्र आपको पढ़ के सुनाया। श्री प्रकाश जी आर्य जो कि एक सभा के मंत्री हैं, स्वादेशिक सभा के एक पक्ष के, और दूसरे पक्ष के जो विठल राव आर्य हैं वो सभा के मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर सोमदेव जी के साथ में एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है। निश्चित रूप से सब आर्यों को इसका खंडन करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। यही नहीं, स्वादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के एक पक्ष के प्रधान श्री सुरेश जी अग्रवाल ने भी लिखा है, श्री विठल राव जी नमस्ते, श्री वेद प्रताप जी वैदिक के यज्ञ संबंधित विवादित प्रकरण के विषय में आपने श्री सोमदेव जी शास्त्री को जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर मुझे आपके ऊपर बड़ी हंसी आ रही है। डॉक्टर सोमदेव जी के वक्तव्य को आपने अनैतिक और अपराधी बतलाकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सही सिद्ध कर दिया। इस कला में आप प्रारंभ से ही अत्यधिक निपुण हैं। छोटी सी छोटी बात का कुछ ही सेकंड में उत्तर देने वाले में आपकी मास्टरी रही है। सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी मैसेज तभी फॉरवर्ड किया जाता है जब वह अपने को अच्छा लगता है। जो मैसेज अच्छा नहीं लगता उसे कोई भी फॉरवर्ड नहीं करता। यह एकदम स्पष्ट है कि वैदिक जी के समर्थन वाला मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आपने उसे तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। उसके नीचे आपका नाम था या नहीं इसका कोई महत्व नहीं। अब फंस जाने पर आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, स्वयं की गलती पर अपने बरसों पुराने मित्र को अनैतिक और अपराधी बताते हुए
क्या आपको तनिक भी लज्जा अनुभव नहीं हो रही है? आप शायद यह भूल गए हैं कि डॉक्टर सोमदेव जी जैसे वेद विद्वान कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। पूज्य स्वामी आर्यवेद जी द्वारा लिखा गया पत्र आपके परामर्श से लिखा गया था। इस प्रकार का मिथ्यापूर्ण स्पष्टीकरण आपको शोभा नहीं देता। आपको पृथक रूप से तत्काल खंडन न आना, जिसके आप एक्सपर्ट हैं, अपने आप में स्पष्ट करता कि आप वैदिक जी के समर्थन में आए हुए मैसेज से पूरी तरह संतुष्ट थे। इसलिए कृपा कर छल कपट को छोड़ डॉक्टर सोमदेव जी से क्षमा याचना कीजिए और अच्छा होगा कि सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें। मेरी 100% सही और कड़वी बात यदि बुरी लगे तो कृपया क्षमा करें। सुरेश आर्य, प्रधान स्वार्थ सिख सभा, दिल्ली। बंधु, मैंने आपको एक बहुत लंबा स्पष्टीकरण दिया है, जहां डॉक्टर सोमदेव जी शास्त्री मुंबई के द्वारा आवेदिक मार्ग पर आवेदिक सिद्धांतों के प्रति उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया, उसके विरुद्ध न केवल प्रोफेसर विठल राव आर्य और उनके साथी डॉक्टर मुमुक्षु आर्य जैसे और यशपाल आर्य ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि डॉक्टर सोमदेव शास्त्री पर एक प्रकार का हमला किया है और डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी को एक चेतावनी दी है, अक्षम्य अपराध कहा है। बंधुओं, आर्यों, विचार करो, ये किस प्रकार से हास्यास्पद और एक प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है डॉक्टर आचार्यों विद्वानों के साथ में। हे आर्यों, आओ हम इस वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए हम डॉक्टर आचार्य सोमदेव जी के साथ में ही नहीं है, अपितु तो जहां जहां पर भी आवैदिक कार्यों के समर्थन होगा हम उसका विरोध करेंगे। मैं सभी आर्यों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी न केवल वेद प्रताप वैदिक के वक्तव्य का विरोध करें, अपितु तो जो प्रोफेसर विठल राव आर्य जी ने उसका समर्थन किया है, डॉक्टर मुमुक्षु आर्य ने उसका समर्थन किया है, और भी ऐसे लोग हैं जो कि एक षड्यंत्र के तहत वैदिक सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आओ बंधु, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उसका जितना अधिक विरोध होगा उतना अधिक ऋषि दयानंद के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति मानी जाएगी। इस प्रकार के विचारों को आज मैंने डॉक्टर सोमदेव जी आर्य के जो विचार प्रोफेसर विठल राव के प्रति जो थे उनके सभी उत्तर का यहाँ पर स्पष्ट रूप से शब्दशः पूरा का पूरा पढ़ के मैंने आपको सुनाया है। प्रकाश आर्य जी जो एक सभा के पक्ष के मंत्री हैं, सुरेश आर्य जी जो कि प्रधान है स्वादिष्ट सभा के, इन सबका यह वक्तव्य दिया है। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रोफेसर विठल राव आर्य अपनी बात को क्या कहे फंस चुके हैं और निश्चित रूप से उनको सोमदेव जी के साथ में जो उन्होंने अमर्याद भाषा का प्रयोग किया उसकी क्षमा मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। बंधुओं, जो पिछले 3 वीडियो मैंने यहाँ पर पढ़ के सुनाए थे वो सब के सब आपको वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और सब्सक्रिप्शन में ही आप इन चीजों को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बंधु, आओ विचार करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ कि सभी आर्य लोग इस वैदिक सिद्धांत के प्रति जो खिलवाड़ हुआ है उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उसका विरोध करेंगे। ओम शांति शांति शांति। वेद, वैदिक दर्शन, वैदिक साहित्य, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, राष्ट्रीय चिंतन को सुनने के लिए, विषयों को सुनने के लिए आप अवश्य वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।